तो भाई फिलहाल अपना आए थे खेत। व्हाट्स अप, आई होप यू गाइस आर ऑल द वे फाइन। तो आज से अपने गन्ने की कटाई का काम स्टार्ट हो रहा है। इस बार ये अपन गुड़ नहीं बना रहे हैं, इस बार ये अपन उसको शुगर मिल पे भेज रहे हैं गन्ने को। तो बस थोड़ी देर से लेबर्स आ जाएंगे और गन्ने की कटाई का काम स्टार्ट होगा। अपने पास और भी काफ़ी सारे काम हैं, जो 47-10 है उसके लिए मक्के की थ्रेसिंग के लिए भेजना है, जो अपना मैसी है उसके लिए धान की थ्रेसिंग के लिए भेजना है, और जो सुराज है वो यहीं पे रहेगा, या तो कुछ बखन्नी वगैरह करेगा या तो फिर ट्रॉली वर्क करेगा। ट्रॉली से पत्थर वगैरह भी ढोने हैं ऊपर वाले खेत से, और जो रास्ता है इसको भी ठीक करना है, क्योंकि यहाँ से ट्रक वगैरह निकलेगा तो उस रास्ते को ठीक करना पड़ेगा। उसके साथ साथ कुछ गेहूँ का बीज लेने के लिए भी जाना है, यहीं कम 4-5 किलोमीटर दूर से लेके आना है, तो वो भी अपन फटाक से लेके आ जाएंगे जब भी अपन को टाइम मिलेगा, या तो फिर अपन अभी घर पे जा रहे हैं फिर तुरंत चलेंगे बीज लेके आ जाएंगे। और पहले चलते हैं इन पे ग्राइंडर लगवाते हैं, ये जो गन्ने काटने का यंत्र है इस पे अपन ग्राइंडर लगवाने के लिए ले जा रहा है, मैं इन्हीं को उठाने के लिए आया था। इन पे अपन ग्राइंडर लगवाते हैं ताकि गन्ने काटने वगैरह में दिक्कत ना हो। लेट्स गो। तो भाई मैं और मुकद्दम निकल चुके हैं गेहूं का बीज लेने के लिए, फटाफट से चलते हैं उसको लेके आते हैं। और इस बार जो अपन ने गेहूं लगाया है उसमें है सबसे पहले तो 322 है, फिर 3288 है, और उसके बाद गेहूं का पूसा तेजस है जो कि सबसे ज़्यादा है, और अपना पूसा तेजस का बीज ख़त्म हो गया था, अपन वही पूसा तेजस लेने के लिए जा रहे हैं। तो अपने लिए 1.5-2 क्विंटल पूसा तेजस और चाहिए पड़ेगा, तो अपन वो लेने के लिए जा रहे हैं। और अपने उसमें GW 513 भी है, डैडी अभी लेके आए हैं नई वेराइटी, तो अपन उसको भी लगाएंगे। अभी तक अपन ने इसको लगाया नहीं था, नाम तो थोड़ा बहुत सुना है। अपने लिए श्री राम 303 भी लगानी थी, पर अनफॉर्चुनेटली अपने पास उतनी जगह नहीं बची है, बाकी अपन ने 90% मोनी कर दी है, थोड़ी सी और रह गई है, तो आजकल में अपन वो भी कर देंगे। और गन्ने का काम स्टार्ट हो गया है तो बाकी सब काम से अपन फ्री होते हैं, और धान थ्रेसर वाले का फोन आ रहा है तो मैं उसको उठा लेता हूँ। तो भाई अपन 1.92 क्विंटल पूसा तेजस रखवा लिए अपन ने और उसको लेके आ गए हैं, एक दो दिन में अपन उसकी मोनी कर देंगे। लो जी सर, अपन गेहूं का बीज लेके आ गए हैं, अब फटाफट से इसको निकाल लेते हैं, डीजल चेक कर लेते हैं पहले तो कितना है इसमें, चाबी ही नहीं है, क्या डीजल चेक करेंगे। मैसी को बाहर कर दिया है, इसमें फंसा है कल्टीवेटर, इसको खोलते हैं और इसको लेके चलते हैं खेत। खेत में जो ट्रक के लिए रास्ता है उसको साफ करवाना है, ठीक करवाना है, और मैसी जाएगा धान वाला थ्रेसर लेके। मुकद्दम पंजा खुलवा दे। और भाई मैसी जा रहा है फिलहाल थ्रेसर लेके, वहाँ पे 2 घंटे का काम होगा, उसके बाद वो आएगा वापस आके ये वाली ट्रॉली फंसाएगा और इसमें सोयाबीन लोड करवाएगा। आज से सोयाबीन की मतलब जो समर्थन मूल्य पे बिक्री है वो चालू हो गई है, अपन ने स्लॉट वगैरह कल ही बुक कर लिया था, तो बस आज ट्रॉली में भरवाते हैं और सोयाबीन की बिक्री का काम स्टार्ट करवाते हैं। और शायद वो वाला ट्रैक्टर डैडी लेके जाएंगे सोयाबीन देने के लिए, मैं तो यहाँ पर खेत पे रहूँगा, मेरे से बोलेंगे तो मैं भी चला जाऊँगा, जो भी जैसा रहेगा आपको बताऊँगा। गन्ने कटाई के लेबर आ चुके हैं खेत पे, तो अपने लिए सुराज को लेके चलना है खेत पे, एक ट्रॉली वहीं पर रखी है तो उसमें अपन पत्थर वगैरह भरवाएंगे और रोड ठीक करवाएंगे। तो भाई दोनों ट्रैक्टर को निकलवा दिया, अब अपन भी निकलते हैं। तो भाई अपन आ गए हैं खेत लगभग, अपन अपने साथ जो टारा है लेवलर है उसको भी लेके आए हैं, तो अपना काम है रास्ता ठीक करना ट्रक के आने के पहले। ये रास्ता तो ठीक है, जहां से गड़बड़ होगा वहां से अपन सुधारने का काम लगाएंगे। हो गया है तो खेत पे आ गया अपन ने, वो लेबलर खोल दिया, ट्रॉली फंसा ली, पहले ट्रॉली में एक ट्रॉली पत्थर भर के लाते हैं, फिर एक ट्रॉली
मुरम भर के लाएंगे। इतना मोटर बंद करने पर वो पाइप नकने हैं। पहले ऊपर वाले खेत में जहाँ पे बोनी नहीं हुई है वहाँ पे कुछ पत्थर डाले हैं, उनको उठा के लाते हैं, फिर अपन मुरम भर के लाएंगे। दो ट्रॉली में शायद अपना रोड ठीक हो जाएगा, बिकॉज ज़्यादा रोड ख़राब नहीं है, बस बरसात में नालियाँ कट रही हैं। तो भाई इस खेत में से मेरे डैडी बोलते हैं कि मेरी पूरी लाइफ निकल गई इस खेत से पत्थर बीनते बीनते, और बोल रहे हैं कि तुम्हारी भी पूरी लाइफ निकल जाएगी इससे पत्थर बीनते बीनते, पर इस खेत के पत्थर ख़त्म नहीं होंगे। अब देखो क्या होता है। मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा इसमें अपन 4-5 साल और उस खेत से हर साल 2-4 साल ट्राली पत्थर निकालेंगे तो फिर शायद निकलने बंद हो जाएंगे, लेकिन अपन जितनी बार प्लाउ करते हैं उतनी बार कुछ ना कुछ पत्थर 1-2 ट्राली बाहर आ ही जाते हैं। इस बार ये अपन ने पूरे में प्लाउ किया था मक्का लगाने के पहले, तो बहुत सारे पत्थर वापस से निकल आए हैं। अभी पूरे पत्थर ख़त्म हो गए थे लेकिन प्लाउ हुआ तो फिर निकल आए। बे उठा ली हो बे, अरे बहुत गर्म हो रही। भाई कुछ अपन इस टाइप से रास्ते ठीक कर रहे हैं, इधर थोड़ा ढलान टाइप की थी और इधर ट्रक फंसने के चांसेस थे तो अपने इसको ठीक कर दिया। अब चलते हैं एक ट्रॉली पत्थर और भर के लाते हैं। अपने लिए इसी टाइप से पूरा रोड ठीक करना है खेत तक, अपने खेत का रास्ता भी ठीक करना है, तो अपन को 2-3 ट्राली और लगेंगे बस। तो भाई अपने खेत में पत्थर मिलने तो हो गए थे बंद, अपने घर आए भरने के लिए। और देखो भाई टमाटर की खेती चल रही है यहाँ पे, बहुत बढ़िया तरीके से हो रही है। अपन तो करते नहीं है, ये बारिश के टाइम पे लगा था। अभी जो टमाटर का रेट है वो पहले 40 चल रहा था, अब 25 चल रहा है, यानी कि इनको अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया है छोटी सी जगह से, अच्छा खासा प्रॉफिट। और आप इमेजिन, कोई इमेजिन नहीं कर सकता कि इस जगह पे इस टाइप के टमाटर लगे होंगे। ये देखो बेस्ट क्वालिटी है, बन नहीं रहे हैं टमाटर, और अगर देखो बिल्कुल चारों तरफ जंगल है भाई, ऐसी बेकार जगह जहाँ पे पत्थर ही पत्थर हैं। मेहनत करने से सब कुछ संभव है। एलिवेशन चेक करो और ट्रॉली में लोड चेक करो, ज्यादा ट्रॉली तो नहीं भरी है लेकिन 25-30 क्विंटल से ज्यादा ही लोड होगा। मैंने लोगों का पहला डाल रहा है फिर भी ट्रैक्टर इतना तेज चल रहा है। भाई मैसी में अपन ने सोयाबीन भरवा दिया, अरे जा रहा है, बहुत दिनों बाद आज अपन को सोयाबीन देखने के लिए मिला है। वो देखो लो जी सर, अपन वापस से खेत पे आ गए हैं, इवनिंग हाफ स्टार्ट हो गया है और रास्ता ठीक किया जा रहा है ट्रक के लिए।